मिनी एशेस का दिन था, लेकिन बारिश को कुछ दूसरा ही कुछ मंजूर था। ऐसा ही कुछ हुआ, बारिश के कारण आज के दिन आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप में एक गेंद का भी खेल हुआ नहीं। वो चाहे मिनी एशेस का बात हो, वो इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात हो, या अगर करें बात हम अफगानिस्तान के मुकाबले की, तो कहीं पर भी गेंद डाली गई नहीं। तो एशिया कप का एक दिन पूरी तरीके से गया बारिश के नाम। मेलबर्न के मैदान पे था आज का ये मुकाबला और वहाँ का मैदान तैयार हो नहीं पाया। बारिश आती रही बार बार और उसके कारण पूरी दिन के खेल में आई खलल। लेकिन इसलिए टॉस भी ना हुआ और आज एक निराशाजनक खेल के लिए एक निराशाजनक दिन रहा। और सारी टीम को, चारों टीम को एक एक अंक मिल गए क्योंकि मैच ही नहीं हुआ तो अंक बढ़ गए। अब बात करते हैं एक और एक मुद्दे की जो उठेगी अब इसके बाद, क्या आपको खेलना आपके लिए ज़रूरी है? और ये अगर इतना वर्ल्ड स्टेज का टूर्नामेंट है तो आप क्या ये नहीं कर सकते, आप क्या शेड्यूल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते? क्या आप जो ग्राउंड में, जैसे मेलबोर्न में आज खेला था, वहाँ पर क्या वहाँ के ग्राउंड में एक इंडोर स्टेडियम भी था, क्या आप वहाँ पर आप मैच नहीं करा सकते थे? क्या आप उसको लास्ट मोमेंट में, जब आपको मालूम था कि यहाँ पर बारिश की है संभावना, यहाँ पर बारिश आ रही है, तो क्या आप इसको कोई जो बगल में जो मैदाने हैं वहाँ पर आप क्या ये गेम को ये शिफ्ट नहीं कर सकते? क्या ये सब में कोई दिक्कत है और क्या आईसीसी नेक्स्ट टाइम तक ये कर पाएगा? तो इस पर थोड़ी सी डालते हैं नज़र। तो मेरा पहला राय और मेरी जो नज़रिया है वो है कि खेल को जीतना चाहिए, कोई भी जीते, खेल जीतो तो सबको आता है मज़ा। क्रिकेट को जीतना चाहिए और क्रिकेट इज़ द रियल विनर, हर गेम में होता है। तो उसके लिए आपको खेल होना ज़रूरी है और उसके लिए बारिश और ये सब को आपको दरकिनार करना चाहिए। लेकिन बारिश के कारण और ये सब के कारण जो कंडीशंस होती है, ये खेल इसीलिए मैं मशहूर है और उससे लिए ही ये बारिश के कारण गेम रुकते हैं और ये सब होती है। और बता दूं जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दी, मतलब जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में अगर मैं करूं बात, तो छोटे से संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि ये जो पैंडमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और उसके अंदर ये भी एक तो चीज़ सिखाया कि आपको लास्ट मोमेंट में आपको बहुत सारे चीज़ आपको देखने पड़ेंगे, अननोन थिंग्स आपको हो सकते हैं आपके साथ, जो चीज़ का अनुमान नहीं है वो चीज़ आपके साथ हो सकता है। जैसे कि कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, जैसे मैथ्यू वेट कोविड पॉजिटिव है, उसके बावजूद अभी वर्ल्ड ऐसा है कि वो तभी भी खेल के लिए मौजूद थे। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं, जब तक आपके सिम्टम माइंड है तब तक आप खेल सकते हैं। तो आपका खेल के अंदर भी क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ होता है ध्यान में आपको रखना पड़ता है। जो आपने टिकट्स बेची है वो आपने ये ग्राउंड के लिए बेची है और आप उसको नेक्स्ट ग्राउंड में आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशू है। प्लेयर्स के लिए माइंडसेट का बहुत बड़ा इशू है और जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका कन्वीनियंस नहीं होगा फिर, तो ये भी एक बहुत बड़ी है समस्या। इसलिए जो ग्राउंड में है वहाँ पर तो हो सकता है, लेकिन जैसे आज मेलबोर्न जो इतना पुराना स्टेडियम है, ऐतिहासिक ये स्टेडियम है, बहुत खचाखच भरा रहता है ये स्टेडियम है, तो यहाँ पर लेकिन एक तो फैसिलिटी थी तो आप उसको क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ये एक तो मेरा एक तो सवाल रहेगा। अगर आपको है पता तो आप ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप किस टीम के हैं सपोर्टर, क्या आपको लगता है कि बारिश के कारण जो मैच नहीं होती है उसमें क्या आपके हिसाब से ओपिनियन है आपकी, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइए। अभी के सिर्फ इतना ही, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।